नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेबर लॉ एडवाइजर के एक ब्रांड न्यू सीरीज में जिसका नाम है स्मार्ट स्टॉक टिप। अगर आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर करने में इंटरेस्टेड हैं, दोनों ही सूरतों में आपके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि हम इसमें आपको बताएंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में ऐसे छोटे छोटे कौन से बदलाव कर सकते हैं जिनकी वजह से आपको भारी प्रॉफिट हो सकता है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने के दो तरीकों के बारे में, लमसम और SIP। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। काफी लोग इन दोनों ही कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, पर जरा सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं इन दोनों में से कोई एक तरीका ऐसा है जिसमें पैसा डालने से आप 15-20% ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं और दूसरे तरीके से डालेंगे तो ये रिटर्न आप खो देंगे, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए? अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा कैसे संभव है और कौन से इंसान के लिए कौन सी टाइप का इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए और आप पूरा ज्ञान समझ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं होती है। आजकल आप अपने फोन से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऐप मैं पर्सनली यूज करता हूँ उसका नाम है कुवेरा ऐप, जिसे यूज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये फ्री टू यूज है, और दूसरा फायदा है कि मैं इस ऐप में अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐप में सेलेक्ट किया कि मेरा गोल है रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना, तो ये मुझे मेरी इनकम और एक्सपेंसेस के बेसिस पर ये रेकमेंड करेगा कि मैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आज ही से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकता हूँ, तब जाके इतने समय बाद मेरा गोल अचीव हो जाएगा, और ये फ्यूचर में होने वाली महंगाई को कंसिडर करके आपको एक रियलिस्टिक गोल बताएगा, ताकि आप एक रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकें। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप कोड टाइप करेंगे LLAYT तो आपको 100 पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिसे आप इन ऐप परचेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए एक इंसान है रमेश, जिसके पास 60,000 रुपए पड़े हुए हैं, और वो इन 60,000 रुपए को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वो ये पूरे 60,000 रुपए किसी एक म्यूचुअल फंड में एक ही बार में डाल देगा, या फिर किन्हीं दो म्यूचुअल फंड में 30,000 रुपए एक ही बार में डाल देगा, तो इसे हम बोलेंगे लंपसम इन्वेस्टमेंट, यानी उसने एक साथ अपने सारे पैसे एक ही बार में म्यूचुअल फंड्स में डाल दिए। बट अगर रमेश ऐसा ना करके हर महीने 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है किसी एक म्यूचुअल फंड में, तो इसे हम बोल देंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आपका मंथली इन्वेस्टमेंट होता है वो। और अगर वो 5,000 रुपए एक महीने में म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है, और मान लीजिए उसे म्यूचुअल फंड्स के 10 यूनिट अलॉट हो जाते हैं, तो उसे एक यूनिट पड़ेगा 500 रुपए में। जिस तरह से दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर आप एक पर्टिकुलर शेयर की प्राइस देखते हैं, उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको पर्टिकुलर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मिलते हैं, जिनकी वैल्यू को हम बोलते हैं NAV, जो कि बेसिकली एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है। हमारे एग्जाम्पल में वो प्राइस है 500 रुपए। ध्यान दीजिए, जिस तरह से शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स में भी म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की वैल्यू ऊपर नीचे जाती रहती है। मान लीजिए रमेश ने डिसाइड कर लिया उसको पैसा इन्वेस्ट करना है, उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि उसे पैसा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, और उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि कौन से म्यूचुअल फंड में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं आदित्य बिरला इक्विटी ग्रोथ फंड। अब उसे ये डिसीजन लेना है कि या तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट करे, अपने सारे के सारे पैसे एक साथ डाल दे, या फिर वो SIP की तरफ जाए जिसमें मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। मान लीजिए उसने लमसम में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक का। इस पीरियड में हमने आदित्य बिरला इक्विटी ग्रोथ फंड के प्राइस को ट्रैक किया है और आपके लिए डेटा इकट्ठा किया है। अब मान लीजिए क्योंकि रमेश लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा पैसा इन्वेस्ट करने का, और जिस दिन वो पैसा इन्वेस्ट करता है वो दिन 2018 का ऐसा दिन था जब उस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू सबसे कम थी। वो दिन था 26 अक्टूबर 2018। इस दिन म्यूचुअल फंड की NAV थी 643 रुपीज, जो 2018 की लोएस्ट है, और अगर वो इस प्राइस पे म्यूचुअल फंड में 60,000 रुपए लगा देगा तो उसे मिल जाएंगे 93.2 यूनिट्स। अब मान लीजिए वो बहुत ही अनलकी है और उसने 2018 का ऐसा दिन चुना इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस दिन उस साल म्यूचुअल फंड की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, यानी 31 अगस्त 2018, तो उसे आदित्य बिरला इक्विटी ग्रोथ फंड के केवल 79 यूनिट्स ही मिलेंगे।
तो आप देख सकते हैं अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई और उसने अच्छे दिन पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे मिल सकते हैं 93 यूनिट्स, और अगर उसने एक बुरा दिन चुना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसे मिलेंगे केवल 79 यूनिट्स। मतलब 93 और 79 यूनिट के बीच में 17% का नुकसान है अगर वो गलत टाइम पे इन्वेस्ट करता है तो। और 17% कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर रमेश पूरे साल भर भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे तो गारंटी नहीं है कि उसे 17% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। पर अगर मार्केट को अच्छे से टाइम कर लेते आप तो आपको 17% का प्रॉफिट तभी हो जाता जिस दिन आपने म्यूचुअल फंड खरीदे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया मार्केट टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यह भी समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स भी मार्केट के इस मूवमेंट को टाइम नहीं कर पाते हैं। इसमें एक लक का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो लक पर रिलाय ना करे। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी वजह से आप लक पर डिपेंड ना रहकर भी एक मीडियम रिटर्न कमा लें, आपको 17% का नुकसान ना हो और आप कोई बीच का रास्ता पकड़ लें? तो पहले नजर डालते हैं इसी म्यूचुअल फंड के लास्ट ईयर के ग्राफ का, यानी 2018। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट इस ग्राफ को देखिए और बताइए मुझे कि ये ग्राफ अब इस पॉइंट से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आप मन में सोच के रखिए, और सोचने में वक्त लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप समझ ही गए होंगे कि इसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपकी मदद करेगा म्यूचुअल फंड्स एक सस्ते रेट में खरीदने का, ताकि आपको मिलने वाला जो रिटर्न है वो मार्केट की हाई प्राइस ना खा जाए। तो इसी चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं SIP से, जो कि हमारा दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। हम वापस आते हैं रमेश पर। मान लीजिए रमेश ने लमसम की बजाय हर महीने की 7 तारीख को इसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए डाले होते, तो हर बार यानी साल में 12 बार उसने म्यूचुअल फंड खरीदे और एक साल में उसको मिल गए 86 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपके 79 यूनिट से काफी ज्यादा है। तो इस तरीके से वो SIP का यूज करते हुए मार्केट के डायनामिक्स को बीट कर सकता है और वो मार्केट के हाई प्राइस का शिकार नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास म्यूचुअल फंड्स खरीदने के 12 मौके हैं और 12 के 12 मौके पर म्यूचुअल फंड महंगा रहे इसकी संभावना बहुत कम रहती है। तो SIP के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट आप एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं कि ये आपकी अर्निंग्स बचा सकता है खोने से। अब समझ लेते हैं इसके बाकी के बेनिफिट्स। तो जैसा कि आपने देखा, SIP मार्केट के हाइज और लोज को अवॉइड करके आपको एक अच्छे एवरेज प्राइस पर म्यूचुअल फंड्स खरीद के देता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, इस प्रैक्टिस से आप 5-6% का मिनिमम रिटर्न तो बचा ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि हो सकता है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 60,000 रुपए जितना बड़ा अमाउंट हो ही ना, या अगर हो भी तो आप इतना सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको अपनी लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी है। पर आपको हर महीने एक इनकम तो होती है, या तो सैलरी से होती है या बिजनेस से होती है। उस इनकम का कुछ परसेंटेज आप हर मंथ इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, और आपने एक मंथली SIP बना ली तो डिसिप्लिन के साथ आप हर मंथ SIP में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साल के एंड में काफी अच्छा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और तीसरा फायदा है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन कभी भी आ सकता है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हो सकता है ये वीडियो देखते ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन आ जाए, पर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे तो काफी सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये वीडियो देखकर लमसम इन्वेस्टमेंट का नुकसान समझ ही चुके हैं, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन आया तो आपको अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा ये स्टडी करने में कि जो म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हैं क्या वो अभी हाई प्राइस पर चल रहा है या लो प्राइस पर चल रहा है। और हो सकता है आपने बहुत सारी रिसर्च करके कॉन्फिडेंटली अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, उसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है म्यूचुअल फंड का प्राइस अगले दिन ही गिर जाए। SIP आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आप अभी जाकर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP स्टार्ट करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं कुवेरा ऐप, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, और हर महीने की अपनी SIP ऑटोमेट भी कर सकते हैं, यानी आपके बैंक से पैसा हर महीने की एक सेट डेट पर कट जाएगा। और अगर आपको इस बात का डर है कि आपके बैंक में पैसा नहीं हुआ तो आप पे पेनल्टी लग सकती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपको 5-10 रुपए का बैंकिंग चार्ज देना पड़े, बट आप पे कोई सिग्निफिकेंट पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा के हमें इंडिकेट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में। साइनिंग ऑफ, टीम लेबर लॉ एडवाइजर।